चलिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कल फ्राइडे को किस तरीके का मोमेंटम ट्रेड हमें मिल सकता है। देखो आज का एक्सपायरी मोमेंटम जैसा हुआ है ना, एग्जैक्ट कल हमने यहां पर प्लान किया था। निफ्टी 50 में मैंने आपको क्लियरली बोला था 18,130 का लेवल मॉर्निंग में ब्रेकआउट मिलता है, आप इधर बाय कर सकते हो। 18,200 तक के टारगेट मिनिमम मिलेंगे, 200 के ऊपर भी होल्ड कर गया तो 18,250-270 भी टच हो सकता है। एग्जैक्ट वो मोमेंटम मिला मॉर्निंग में, कितना अच्छा ब्रेकआउट मिला यहाँ पर कैंडल में 18,130 पर, और सीधा वन साइडेड मार्केट आज ट्रेंडिंग एक्सपायरी रही है, वन साइडेड मोमेंटम किया है। बैंक निफ्टी की बात करें 43,350 43,350 के ऊपर बोला था एक ब्रेकआउट मिलेगा, वहां से आपको सीधा 43,750 तक की मोमेंटम मिली है। नो डाउट 350 से 500 की मोमेंटम हम डिसाइड किए थे, 150 पॉइंट स्लो रहेगी, पर जैसे ही 500 तोड़ा 5-10 मिनट होल्ड किया वहां से 750 तक की एक मोमेंटम दिया। 43,600 की कॉल ऑप्शन 8 रुपए से लेकर 100 रुपए तक गई है, जिनको ब्रेकआउट ट्रेड करना आता है एक्सपायरी में काफी अच्छा प्रॉफिट बना के गए। अगर हम देखें निफ्टी फिन को 19,265 के ऊपर मैंने आपको बोला था ये हाई है, इनके ऊपर निकलेगा 1,265 के ऊपर आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 265 से 500 का लेवल टच हो गया, जितने लोगों को याद होगा 10-15 दिन से बता रहा हूं कि अगर आपको ट्रेंडिंग ट्रेड पकड़ने हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है, आप निफ्टी फिन को ट्रैक करो, निफ्टी फिन में आपको काफी अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, इंट्राडे मोमेंटम बहुत आसानी से मिल जाती है। 265 के ऊपर 200-230 तक की मोमेंटम दिया 230 पॉइंट्स की, और इंडेक्स की बात करें तो वही 19,000 वही निफ्टी 18,000 का इंडेक्स है, तो पॉइंट्स में काफी अच्छे मिल जाते हैं निफ्टी फिन को अगर आप ट्रैक करते हो तो। और आप परसेंटेज भी देखोगे तो 1% से भी कम गेन है निफ्टी बैंक निफ्टी में, पर यहां पर 1.5% से ज्यादा का गेन है निफ्टी फिन के अंदर। चलिए कल के लिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगी। अभी निफ्टी के अंदर देखो डेली कैंडल में अगर आप देखोगे 18,250 का जो लेवल है यहीं पर मार्केट पहले थोड़े से रेजिस्टेंस लिया था, पर ये इतने इंपॉर्टेंट लग नहीं रहे हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग देखिए 18,260 को ऊपर क्रॉस करता है तो यहां से एक और मोमेंटम आपको 100 पॉइंट की एक मोमेंटम मुझे लग रहा है निफ्टी में और पेंडिंग है जो आपको कल ही देखने को मिल सकती है। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कैसे ट्रेड करना है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देखिए 18,260 को ऊपर ब्रेक कर रहा है तो मुझे लग रहा है एक और मोमेंटम मिलेगा 18,330 से लेकर 350 तक की एक मोमेंटम आपको, एक और मोमेंटम 70-80-100 पॉइंट की दिखाई दे सकती है 260 के ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट ऑलरेडी गैप अप दे दिया तो मैं बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं कल के लिए, क्योंकि एक्सपायरी पे आज ऑलरेडी एक अपमूव हुआ है, ट्रेंडिंग एक्सपायरी रही है। जब भी एक्सपायरी ट्रेंडिंग रहती है ना, थर्सडे अगर मार्केट वन साइडेड ऊपर चला गया तो मुझे लगता है कि फ्राइडे या तो गैप अप दे देता है या तो फ्राइडे यहां पर थोड़ा सा साइडवेज होकर प्रॉफिट बुकिंग दिखा देता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। यहां पर आज ऑलरेडी ट्रेंडिंग मूव मिल गया, कल जो पोजिशन बना के गए हैं आज के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, अगर कल गैप अप आ गया तो वो प्रॉफिट बुक करना जरूरी होगा उनके लिए और वो प्रॉफिट बुक यहां पर कर सकते हैं। इसी के साथ में 18,250 जिसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है, 18,250 हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कल गैप अप में ब्रेक हो गया तो और ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर कल गैप अप ओपनिंग 18,300 से ऊपर की मिल रही है, 18,300-325 के आसपास 50-60-70 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग आ जाता है, मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मॉर्निंग के अंदर ही अगर शूटिंग स्टार वगैरह दिखता है तो मैं सेलिंग प्लान कर सकता हूं, यहां से 18,200 तक 225 तक की गिरावट वापस मैं नीचे की तरफ देख सकता हूं। इसी के साथ में अगर मार्केट नीचे मिल रहा है, मार्केट ऊपर निकल ही नहीं रहा है 260 के ऊपर, ना ही गैप अप आ रहा है, मार्केट आपको नीचे मिल रहा है 200 से लेकर 175 की रेंज में निफ्टी मिल रहा है, ये एक पहला डिप होगा बाय करने के लिए, क्योंकि ये 275-200 को आज ब्रेक करके ऊपर निकला है तो ये ब्रेकआउट जो आज आया है, अगर मार्केट कल गैप अप नहीं दिया और डायरेक्टली पहले नीचे आ गया तो यही ब्रेकआउट लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे, जहां पर हैमर वगैरह देख के आप यहां पर बाइंग प्लान फिर से कर सकते हो। सेल आपको अभी फिलहाल निफ्टी में कहीं नहीं करना है, हर डिप पे बाय करना है, अगर कल गैप अप नहीं आ रहा तो आपको बाय करना है। अगर छोटा सा गैप डाउन मिल रहा है तो 18,175 का लेवल बहुत अच्छा है बाय करने के लिए, 150 के आसपास तक भी बाय कर सकते हो, बट अगर ये 18,100 के नीचे निकला तभी ये काफी अच्छी सेलिंग साइड में थोड़ा सा मूव करेगा, मतलब सेलिंग मोमेंटम हमको 18,125 और 100 के नीचे निकलने के बाद ही मिलेगी, इससे पहले हम डिप पे बाय करेंगे या फिर फ्लैट ओपनिंग 260 के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे। अगर ऑलरेडी गैप अप आ रहा है तो शूटिंग स्टार या कुछ देख के मॉर्निंग में ही थोड़ा सा सेलिंग प्लान करेंगे। ऊपर का रेजिस्टेंस अभी निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है 18,350 का, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी 43,700 तक की एक मोमेंटम दिया है, 750 भी ऑलमोस्ट टच हो ही गया था, बट ब्रेकआउट हमें मिला था 43,500 पे, एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। 43,450 से लेकर 500 का जोन अभी सपोर्ट बनेगा, जहां पर ब्रेकआउट देके ऊपर गया, अगर पहले नीचे आ जाता है 43,450 से लेकर 500 का लेवल सपोर्ट है, यहां पर हैमर वगैरह देख के बाय करो, अगर गैप डाउन मिल जाए
जाता है तो, बट इसी जगह पे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा स्पेस और बाकी है बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर मोमेंटम करने के लिए। अगर गैप अप भी आता है तो भी बाइंग साइड जा सकते हैं। कहां पर देखो, बैंक निफ्टी की डेली कैंडल ने आज काफी अच्छी क्लोजिंग दी है, पहले के रेजिस्टेंस थोड़े हैं, अब ऊपर का नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकलेगा 44,000 राउंड नंबर के आसपास का, 46,650 पे बंद हुआ है, 700-750 का हाई लगा है, तो 350 पॉइंट का मोमेंटम और पेंडिंग पड़ा है। अगर फ्लैट ओपनिंग मिल गई तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड बन जाएगा। फ्लैट ओपनिंग देखिए, अगर बैंक निफ्टी यहां पर 43,700 को ऊपर क्रॉस करता है तो 700 के ऊपर पहला टारगेट 43,900 का होगा, दूसरा टारगेट 44,050 का होगा और 44,050 के आसपास सारी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड्स के लिए ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे, वहां से फिर से नीचे गिरावट आ सकती है। बट अगर ऑलरेडी 300-400 पॉइंट का गैप अप आ गया, 43,900 के ऊपर कहीं भी खुल रहा है, 43,900 या 44,000 के आसपास 300-400 पॉइंट का गैप अप देके खुल रहा है, तो उस गैप अप में हमको बाय नहीं करना। वहां पर शूटिंग स्टार देख के हम या नेगेटिव कोई भी कैंडल देख के हम मॉर्निंग में वापस से सेलिंग प्लान कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि वन साइडेड एक मोमेंटम आज मार्केट के अंदर हुई है। इसी जगह पे ऊपर ना निकल के पहले नीचे मिल रहा है तो जैसा बताया 43,450 से 500 ये वाला जोन हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। इन सपोर्ट के आसपास यहां पर हैमर या एंगलफिंग बुलिश या डबल बॉटम देख के हम बाय कर सकते हैं, या फिर नीचे 43,300 जब तक नीचे ब्रेक नहीं होता तब तक हम फ्रेश सेलिंग नहीं करेंगे, या तो गैप अप आने पर ऊपर सेल करेंगे या तो 43,300 के नीचे सेल करेंगे, बाकी 400-450 इन लेवल के आसपास डिप में हम बाइंग की ही कोशिश करेंगे। निफ्टी फिन को देख लेते हैं, 19,500 ऑलरेडी टच हो चुका है, मैं कहूंगा थोड़ा सा बाइंग साइड में निफ्टी फिन में अब कल मत जाओ, एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है और ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी फिन आ चुका है। ऑल टाइम हाई ही इसका मेरे हिसाब से 19,515 का है, आज 19,500 हाई लगा चुका है, तो इसको रिजेक्ट करना होगा तो मे बी कल ही कर जाए, कल एक गैप अप दे, ये ब्रेकआउट को फेल करे 500 के ऊपर और यहां से फेल करके नीचे आ सकता है, तो निफ्टी फिन को मेरे हिसाब से कल के लिए इग्नोर करना चाहिए। और अगर सेलिंग करनी है तो निफ्टी फिन में भी आपको सेलिंग मिल सकती है क्योंकि वन साइडेड आज 300 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हुआ है। अगर कल 19,550 के ऊपर कहीं भी गैप अप ओपनिंग आता है और मॉर्निंग में 5 मिनट में पहली रेड कैंडल मिल जाती है, सेल कर दो, मेरे हिसाब से आपको 150-200 पॉइंट निफ्टी फिन नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। 550 के ऊपर 19,550 के ऊपर कोई भी गैप अप पहली रेड कैंडल बन रही है, उसी के हाई के स्टॉप लॉस लगा के सेल करेंगे, वहां से 100-150 पॉइंट नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर गैप अप नहीं आ रहा, फ्लैट ओपनिंग मिल रही है तो ट्रेड करो ही मत, 19,500 रेजिस्टेंस है। अगर गैप डाउन ऑलरेडी आ रहा है तो 19,350 से 400 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा, इन सपोर्ट के आसपास हैमर वगैरह देख के बाइंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, काफी अच्छा ट्रेड मेरे हिसाब से कल भी आपको मिलने वाला है। गैप अप आ गया तो सेल ट्रेड मिलने वाला है और फ्लैट ओपनिंग मिल गई तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। अगर हम देखें यहां पर HDFC बैंक को डेली कैंडल के अंदर हम यहां पर चलेंगे, डेली कैंडल में आप देखोगे 1700 के ऊपर एक मोमेंटम मैंने आपको बोली थी, 1730-35 की एक मोमेंटम 2% के आसपास काफी अच्छी मोमेंटम HDFC बैंक में आपको मिल गई। पोजिशनली इसको होल्ड करो, हाई के आसपास ही आने वाला है, ये हाई के आसपास ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से इसको ब्रेकआउट भी मिल रहा है। अगर फ्लैट ओपनिंग देके ये 1735 के ऊपर निकलता है तो और मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगी, ये ब्रेकआउट जो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है ये कंटिन्यू होगा, 1735 के ऊपर HDFC बैंक फ्लैट ओपनिंग देके निकलता है तो ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी। और जितने लोग नीचे से उठा के बैठे हैं 1600 के मेरे कहने पर, उनको काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है यहां पर, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एटलीस्ट अपना शिफ्ट कर लो 1700 के आसपास, 1600 में बाय किए हुए एटलीस्ट हम इसमें पोजिशनल ट्रेड में 100 पॉइंट तो अब उठाएंगे। ठीक है, कल ही नीचे आता है तो मेरे हिसाब से आपको 1700 या 1690 के आसपास इसको बुक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास ICICI बैंक, मोमेंटम आज नहीं किया बट कल ये मोमेंटम कर सकता है, 926 के ऊपर जैसे ही निकलेगा या 927 के ऊपर निकलेगा एक मोमेंटम आपको 927 के ऊपर 935 तक की एक मोमेंटम ICICI बैंक में आपको दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने आज ऊपर जाने की कोशिश करी बट अभी भी नीचे है, कोई ट्रेड नहीं है, 875 के ऊपर जब निकलेगा तो थोड़ा सा बाइंग की सोचेंगे या फिर 840 के नीचे निकले तो सेलिंग की सोचेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक बैंक, कोटक बैंक ऊपर जाने की अभी कंटिन्यू कोशिश कर रहा है बट यहां पर भी मैं बाय नहीं करूंगा क्योंकि 1950 आ चुका है, 2000 के आसपास 2-3% ऊपर ही फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है तो यहां पर मैं प्लान नहीं करूंगा। बट हां, जब ये 2000 के आसपास आता है तो 2000 के लेवल पे कोटक बैंक में देखेंगे कि ऊपर ब्रेकआउट मिल रहा है, क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, वहां पर रिजेक्ट करके इसको नीचे सेलिंग साइड में प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस, रिलायंस एक ब्रेकआउट आपको कल दे सकता है, आज ऊपर निकला तो 2450 के ऊपर बट मोमेंटम नहीं दिया और 2445 पे बंद हुआ, कल अगर ये 2455 के ऊपर निकलता है तो आपको मेरे हिसाब से इसको छोड़ दो, अभी छोड़ दो रिलायंस को, 2465 के ऊपर बाय करना, 2465 के ऊपर निकले तभी बाय करना, अदरवाइज वेट करो, स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल वाले भी होल्ड करो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास TCS, TCS अभी कंटिन्यू ऊपर निकल रहा है, 3250 के ऊपर बाइंग करेंगे, फिलहाल वेट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस, इन्फोसिस के अंदर एक ट्रेड अभी भी बोला हुआ है जो दो दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ, 1280 के ऊपर निकलते इन्फोसिस में आपको काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है, 1280 क्रॉस होते ही एक अच्छी मोमेंट
मोमेंटम आपको इंट्राडे में भी दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक की तरह ये भी फॉलो किया, इसमें भी मैंने आपको ट्रेड दिया था 2805 के ऊपर निकलता है तो 2.5% के लिए मोमेंटम आ जाएगी। 2805 के ऊपर आज मोमेंटम मिली, 2862 तक काफी अच्छे ट्रेड मिले। एचडीएफसी ने दोनों ने काम किया, निफ्टी बैंक निफ्टी ने काम किया, यहां पर एक्सिस बैंक ने थोड़ी सी मोमेंटम दिखाई है, रिलायंस ने मोमेंटम दिखाई है, इसके साथ में टीसीएस थोड़ा सा ऊपर आया है, निफ्टी फिन भी ऊपर दिया है मोमेंटम। तो आज का दिन प्रॉफिटेबल होना बनता है, आप सभी का प्रॉफिट बनाना, नीचे कमेंट करके बता देना कल एचडीएफसी को कैसे ट्रेड करना है। इसका भी ब्रेकआउट हमें काफी अच्छा मिला है, बट यहां पर ट्रेड मत करो, अभी ऊपर रेजिस्टेंस निकलने वाला है 2895 के आसपास या 2900 के आसपास। अगर आपको ट्रेड करना है एचडीएफसी में 2868 के ऊपर, आप 21 पॉइंट के लिए या 1% के लिए इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। 1% 2900 दिखाई दे सकता है, बट 2900 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है, जहां पर 2900 पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना आपका बनता है, वहां से एचडीएफसी फिर से रिजेक्शन ले सकता है। ऑलमोस्ट स्टॉक देख रहा हूं, अगर थोड़ा सा ऊपर निकल जाए और बैंक्स भी 300-400 पॉइंट ऊपर निकल गया, बैंक निफ्टी और निफ्टी फिन, तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो यहां पर फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। कल इंट्राडे में 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज रेजिस्टेंस आ चुका है, आप थोड़ा सा वेट कर लो, या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर मार्केट यहां से थोड़ा सा रिजेक्ट करके नीचे की तरफ गिरावट दिखा सकता है। आई होप आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।